Assalamu alaikum, dear student. Thermodynamics lab में experiment आज हम perform करेंगे to perform the analysis on a single phase centrifugal compressor. इस centrifugal compressor demonstration unit का सबसे पहले मैं आपको parts के बारे में introduce करवाऊँगा. सबसे पहले centrifugal compressor unit के inlet, यहाँ से हमारे centrifugal compressor में inlet हो रही है जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं. तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में यहाँ से हमारी एयर इनलेट हो रही है और यहाँ से इसके ऑरिफेस इंस्टॉल किया गया है. ऑरिफेस प्लेट, ऑरिफेस मीटर दैट इज यूज टू मेजर द फ्लो रेट ऑफ द गैसेस आर लिक्विड. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है सेंट्रीफ्यूगल ऑरिफेस प्लेट है. तो ऑरिफेस प्लेट के बिफोर द ऑरिफेस प्लेट जो है वो हमने एक प्रेशर टैपिंग वन और ये प्रेशर टैपिंग टू लगाई हुई है जो कि डिफरेंशियल प्रेशर अक्रॉस की ऑरिफेस मीटर मेजर करती है, जो कि हम कंट्रोल पैनल से देख सकते हैं डेल्टा पी ऑरिफेस मीटर. तो यहाँ पे हमें डिफरेंशियल प्रेशर मेजर कर रहे हैं ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेशर ड्रॉप. वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ द एयर एट द इनलेट ऑफ द कंप्रेसर. तो यहाँ से हमें इसके स्टार्ट से हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एयर हम कैलकुलेट कर सकते हैं जो जिसको हम कंप्रेस कर रहे हैं. तो इसके बाद जो एयर इनलेट हो रही है कंप्रेसर में उसका मतलब कि हम उसका वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट कैलकुलेट कर रहे हैं. तो इसके बाद जो है ये हमारे पास क्या इंस्टॉल लगाई गई है, थर्मोकपल. थर्मोकपल जो है वो हमारे टेम्परेचर ऑफ एयर जो है बिफोर कंप्रेशन जो है ना वो एयर का टेम्परेचर नोट कर रही है, मेजर कर रही है, जो कि हमें डिस्प्ले पे हम देख सकते हैं इनटेक एयर टेम्परेचर. तो इस वक्त एयर का जो टेम्परेचर है वो है 33.4 डिग्री सी. तो ये इसे हम कहते हैं थर्मोकपल. तो आई थिंक ये थर्मोकपल है. उसके बाद ये है हमारा कंप्रेसर. इसके अंदर हमारी जो एयर जो है वो कंप्रेस हो रही है. तो इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंप्रेस द एयर. इसके बाद ये है हमारे पास डैम्पर. डैम्पर इसको कहते हैं हम डैम्पर, जो कि इसके आउटलेट पे लगाया गया है और नॉब पर डैम्पर पोजीशन. तो इस नॉब के थ्रू जो है वो हम डैम्पर की पोजीशन को सेट करते हैं. तो यहाँ से हमारी कंप्रेस एयर जो हो रही है वो आउट हो रही है. तो इसके बाद ये डैम्पर की ये है हमारे पास डैम्पर, जो कि डिस्चार्ज एयर जो कंप्रेशन के बाद डिस्चार्ज एयर यहाँ से आउटलेट हो रही है. तो इसकी जो एयर को कंट्रोल डैम्पर जो होता है उसके आउटलेट पे लगाया जाता है. तो इसकी पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर हमने पोजिशनर लगा दिया नॉब फॉर टू सेट. ये एक नॉब है जो कि डैम्पर की पोजीशन को सेट करती है. इसकी वजह से हम ऊपर को भी कर सकते हैं या इसको हम नीचे की भी तरफ कर सकते हैं. ये इसके डिस्चार्ज पे लगाई जाती है. तो इसके बाद इसके कंट्रोल पैनल पे आ जाते हैं. इसके सबसे पहले जो है मेन पावर, यहाँ से हम मेन पावर ऑन करते हैं. यहाँ से अगर कंप्रेसर के आरपीएम को कंट्रोल करने के लिए स्पीड कंट्रोलर लगाया गया है और ये कंप्रेसर को ऑन करता है. तो इसके बाद यह है डेल्टा पी ऑरिफेस मीटर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट ऑफ एयर को फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेट करने के लिए हमने ऑरिफेस मीटर इसके इनलेट पर लगा दिया है. इसके बाद कंप्रेसर स्पीड आ रही है. इसके बाद डेल्टा पी कंप्रेसर आउट. तो जो डेल्टा पी जो उसके आउटलेट से आ रहा है वो हम इस डिजिटल मीटर से फाइंड आउट करेंगे. इसके बाद जो है वो इनटेक एयर टेम्परेचर जो कि थर्मोकपल मैंने आपको दिखाई थी इसके इनलेट पे लगी हुई है वो ये है. ये आपके डिस्प्ले इधर आ रहा है इनटेक एयर टेम्परेचर जो एयर इनलेट हो रही है कंप्रेसर के अंदर. इसके बाद जो हमारा कंप्रेसर पावर कंज्यूम कर रहा है वो हमारे डिजिटल मीटर ये हमें शो कर रहा है. इसके बाद डिस्चार्ज एयर टेम्परेचर 37.6 इस वक्त जो चल रहा है टेम्परेचर डिग्री सी में. तो आफ्टर कंप्रेशन आपको पता है कि जब भी हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है. तो एयर को जब हम कंप्रेस कर रहे हैं तो कंप्रेशन के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया. इसके बाद ये इसका मेन ब्रेकर है. इसके बैक साइड पे हमने क्या लगाया हुआ है डेल्टा पी. ये बार में हमें डिफरेंशियल प्रेशर फाइंड आउट नोट आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है, ये बार में है. इसके यूनिट जो है वो बार में आप देख सकते हैं. तो ये थी कंप्रेसर के मेन पार्ट जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवाया इस वीडियो में. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने करना क्या है टू परफॉर्म द एनालिसिस ऑफ सिंगल फेज कंप्रेसर. तो एक्चुअली हमने एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर फाइंड आउट करनी है. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमने डिफरेंट स्पीड पर या डिफरेंट आरपीएम ऑफ कंप्रेसर पे हमने
डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको नोट करना है, जो कि मेनली आपको पैरामीटर जो है वो आपको कंट्रोल पैनल से मिलेंगे। तो बाय चेंजिंग आरपीएम ऑफ द कंप्रेसर वी नोट द डिफरेंट पैरामीटर टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर बाय चेंजिंग द आरपीएम ऑफ द कंप्रेसर। तो सबसे पहले अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त आरपीएम जो अबाउट 11,000 के करीब हमारे पास आरपीएम है। तो इसके बाद सबसे पहले जो इसका और डेल्टा पी ऑरिफेस मीटर का आ रहा है वो है 297। इसके बाद कंप्रेसर की स्पीड आप देख सकते हैं। इसके बाद इनटेक एयर टेम्परेचर 33.4 और पावर जो कंज्यूम हो रही है वो मैं आपको दिखा दूं। ओके 87.3 वॉट और डिस्चार्ज एयर 37.4। जब भी गैसेस को कंप्रेस करते हैं तो उसका आउटलेट टेम्परेचर T2 जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके जो पैरामीटर्स जो नोट कर रहे हैं वो टेबल आपको प्रोवाइड कर दिया गया है मैनुअल में, तो वहाँ पे आप इन पैरामीटर्स को वन बाय वन नोट करते जाएंगे। इसके बाद हम अब इसके स्पीड कंट्रोलर की मदद से इसके कंप्रेस जो आरपीएम है उनको इंक्रीज करेंगे। जब हम इसके आरपीएम इंक्रीज करेंगे तो नॉर्मली इसके जो T2 टेम्परेचर आफ्टर कंप्रेशन जो है वो एयर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो गया 38.7। तो इनटेक एयर टेम्परेचर 33.4 डिग्री थी है और डिस्चार्ज टेम्परेचर वो 39.1 हो गया। तो अंडरस्टूड है कि आपकी जो पावर कंजप्शन है कंप्रेसर की वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जब हमारे पास आरपीएम थे 11,000 तो उस वक्त उसकी पावर कंजप्शन कम थी एज़ कम्पेयर टू 12,000 आरपीएम। तो इसकी पावर कंजप्शन अब बात जो आ रही है वो 146 वॉट है। इस तरह हम डिफरेंट पैरामीटर्स को नोट करते जाएंगे और इस पैरामीटर्स को हम जो है वो टेबल में नोट करेंगे। और फ्लो रेट ऑफ एयर अक्रॉस द कंप्रेसर हमने कैलकुलेट करने के लिए QA कैलकुलेट करने के लिए PF मल्टीप्लाई बाय पाई D2/4। तो इस फार्मूले में आप देख सकते हैं कि हमारे पास डायमीटर ऑफ इनलेट पाइप जो है वो है 0.70 मिलीमीटर और उसके डिस्चार्ज पे जो पाइप लगाया गया है उसका 40 मिलीमीटर। ये हमारे पास डायमीटर ऑफ पाइप इनलेट है D1 70 मिलीमीटर और ये है D2 40 मिलीमीटर। इसको आपने मीटर में कन्वर्ट कर लेना है और इसके बाद जो है वो आपको PF रिक्वायर्ड है कॉफिशेंट ऑफ फ्लो। कॉफिशेंट ऑफ फ्लो जो है वो 0.63 और डेंसिटी ऑफ एयर जो है वो आपने ले लेनी है 1.14 kg/m³। और इसके बाद जो है आपके पास डेल्टा P1 वो भी आपको ऑरिफेस मीटर से आ जाएगा और D2 की पावर ये हो गया। और इसके बाद आपने ये सब वेरिएबल कैलकुलेट सॉरी पैरामीटर्स को नोट करके आप इस फार्मूले में पुट करेंगे तो आपको फ्लो रेट ऑफ द एयर क्रॉस द कंप्रेसर आप कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद आपने एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर कैलकुलेट करनी है, वर्क डन ऑन एयर पर सेकेंड, वर्क डन ऑन कंप्रेसर मल्टीप्लाई बाय 100, डेल्टा P2 मल्टीप्लाई बाय QA डिवाइडेड बाय PC मल्टीप्लाई बाय 100। तो PC आपको पता है कि पावर प्रोवाइडेड टू कंप्रेसर, पावर प्रोवाइडेड टू द कंप्रेसर जो आप इस डिजिटल मीटर से नोट करेंगे। इस वक्त आ रही है 140-145 वॉट। तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट QA आ गया, पावर ट्रांसफर टू एयर बाय हाइड्रोलिक P हाइड्रोलिक। ये हाइड्रोलिक कैलकुलेट करने के लिए आपको फार्मूला दिया गया है जो कि डेल्टा P2 मल्टीप्लाई बाय QA, इसकी वजह से आपके पास पी हाइड्रोलिक आ जाएगी। तो एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर जो है पी हाइड्रोलिक डिवाइडेड बाय PC, PC आपका आपको पता है पावर प्रोवाइडेड टू द कंप्रेसर, तो इसकी वजह से आपके पास एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर फाइंड आउट हो जाएगी। इन सब वैल्यूज को आप पुट करके फार्मूलाज में जो कि आपको मैनुअल में प्रोवाइड कर दिए गए हैं इसे आप एफिशिएंसी ऑफ कंप्रेसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जो ग्राफ बनाने हैं वो आपके आएंगे आरपीएम वर्सेस एफिशिएंसी ऑफ द कंप्रेसर, कि जो आरपीएम है वो आपके एक्स एक्सिस पे होंगे और कंप्रेसर एफिशिएंसी जो है वो वाई एक्सिस पे होगी। तो डेल्टा P2 जो है वो कंप्रेसर के आउटलेट पे जो डेल्टा P है वो आपको बैक साइड से आप नोट करेंगे।
तो बेटा इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू या बाई ईमेल आप मेरे से पूछ सकते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में कोई भी कंफ्यूजन हो। ओके, थैंक यू।